मैंने 12 फरवरी 2022 को उत्तराखंड की जनता के समक्ष एक संकल्प लिया था कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे, भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार के शपथ ग्रहण होते ही हम उत्तराखंड के अंदर सभी के लिए एक समान कानून लाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, क्योंकि हमारा प्रदेश ये गंगा का प्रदेश है, ये देवभूमि है, धर्म अध्यात्म का केंद्र है, संस्कृति का केंद्र है। प्रत्येक घर से हमारे यहां कोई ना कोई कोई बेटा है, बेटी है, चाचा है, ताऊ है, मामा है, कोई ना कोई किसी न किसी के परिवार से सीधे कहीं ना कहीं सेना से जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तान के अंदर किसी न किसी स्थान पर, चाहे कोई स्थान हो, सेना हो या अर्धसैनिक बल हो, कहीं ना कहीं अपनी सेवा दे रहे हैं। और हमारा राज्य दो दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ राज्य है, तो इस प्रदेश के अंदर धर्म, मजहब, पंथ, जाति, समुदाय सबसे अलग हमारे यहाँ का कानून बनना चाहिए। और हमने शुरुआत की है कि संविधान की धारा 44 में भी इसका उल्लेख है कि राज्यों को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी बार बार राज्य सरकारों को निर्देशित भी किया है कि राज्य के अंदर एक समान कानून होना चाहिए। उसको लेकर जो संकल्प हमने उत्तराखंड की जनता के समक्ष रखा था, हमने पहली कैबिनेट की बैठक में, पहले मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई, उस बैठक में हमने पूरा उसका नोट बनाकर उसको एक सर्वसम्मति से आगे बढ़ा दिया है। जल्दी ही हम उसमें कमेटी बनाने वाले हैं, उसमें हम विधि विशेषज्ञों को लेने वाले हैं, स्टेक होल्डर्स को लेने वाले हैं, और सबकी सहमति से उत्तराखंड के अंदर सबके लिए एक समान कानून बनाने वाले हैं। सबका एक समान कानून होगा, और हम अन्य राज्यों से भी अपेक्षा करेंगे कि जैसे उत्तराखंड आगे बढ़ा है, उसी तरीके से हिंदुस्तान का हर राज्य आगे बढ़े और हर राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने अपने यहां लागू करे।